एशिया कप के अंदर लास्ट ग्रुप मैच यहाँ पर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का, एंड बांग्लादेश नहीं यहाँ पर टेल्स का है। टॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंडिया ऑब्वियसली इस वाली ग्रुप पे टॉप पे है, एंड टॉस जीत चुके हैं तो ऑब्वियसली हम तो चेस करने वाले हैं। आज वाला मैच जीत के हम टॉप पे ही फिनिश करना चाहेंगे। स्ट्राइक पर लिटन दास, पहला बॉल यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार की तरफ से, तो पहला बॉल इस मैच का, एंड पहली बॉल पे इस लग के निकल गया चार रन लिटन दास को। भाई चार रन मिल गया पहली बॉल पे। भूबी पिछली दो मैच पे खास कुछ कर नहीं पाया, तो आज भूबी को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। एंड यहाँ पर डॉट बॉल। इस वाली मैच के बाद फाइनल एंड सेमीफाइनल बाकी है। सॉरी, फाइनल पहले नहीं होगा, पहले सेमीफाइनल उसके बाद फाइनल। इसके बाद एशिया कप का दो मैच बाकी है, अगर इंडिया सेमीफाइनल जीतेगा तभी फाइनल खेलेगा। गाइस अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन दबा दो, एंड वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। एंड यहाँ पर एक रन मिलता हुआ, एंड यार एक छोटा सा बोल्ट कर दिया वो भाई भूबी का इनस्विंग बोल्ट। मैं बोलने वाला था यार छोटा सा कमेंट करके इस वाली मैच का रेटिंग भी दे देना, लेकिन उससे पहले भूबी ने यहाँ पर लिटन दास को बोल्ट कर दिया। बढ़िया इनस्विंग बॉल एंड बोल्ड होता हुआ लिटन दास। पहला ओवर पे ही विकेट मिल गया, और क्या चाहिए ब्रो। एंड सेकेंड बॉल, कैच इट मैन, बढ़िया गेंदबाजी। देखो यार इस वाले वीडियो में 20 लाइक का गोल लगा रहा है तो कर दो यार 20 लाइक, ज्यादा नहीं कर दो। एंड यहाँ पर दूसरा झटका, वन हैंडेड कैच, इट इज वन हैंडेड कैच भाई। ऋषभ पंत ने एक हाथ से कैच पकड़ा डाइव मार के। भाई दूसरा ओवर पे दूसरा झटका मिल चुका है यहाँ पर, क्या बढ़िया गेंदबाजी कर रहा है इंडिया वालों। दोनों ओपनर को यहाँ पर आउट कर दिया, इनस्विंग बॉल था, एज लगा। भाई भाई वन हैंडेड कैच, बहुत ही बेहतरीन डाइव लगा के वन हैंडेड कैच पकड़ा ऋषभ पंत। इतना जल्दी जल्दी दो विकेट गिर जाएगा ये मैंने भी नहीं सोचा था वैसे। लेकिन यहाँ पर शाकिब आते ही पहली बॉल पे बहुत ही बढ़िया शॉट लगाया, चार रन तो मिल जाना चाहिए, मिलेगा चार रन। 12 रन के अंदर ऑलरेडी दो विकेट गिर चुका है, एंड यहाँ पर भी आउट है इनस्विंग बॉल। भाई मैंने बोला था भूबी पिछली दो मैच में खास कुछ बॉल नहीं कर पाया, बट आज तो भाई छा गया हमारा भूबी भाई, क्या स्विंग मिल रहा है, बहुत ही खतरनाक इनस्विंग। एंड एलबी तो अंपायर ने दे दिया, अब देखने की बात है ये रिव्यू ना कर देगा, तो यहाँ पर रिव्यू नहीं किया। बहुत ही बढ़िया अंदर आता हुआ बॉल, ओके नाइस बॉलिंग भाई भूबी। 12 रन के अंदर ऑलरेडी तीन विकेट गिर चुका है बांग्लादेश का, बांग्लादेश ऑलरेडी अंडर प्रेशर है, तो यहाँ पर और भी अगर विकेट ले पाए तो मजा आ जाएगा। बट भूबी का फिगर देखो, दो विकेट 6 रन देकर, वो बात तो मत करियो भाई। भूबी भी लाइक ऐसे कैसे हमको टीम से बाहर कर दोगे यार, हम एक मैच पे अच्छा बॉलिंग करके टीम पे अपना जगह बना लेंगे। बढ़िया बॉल ये भी। तीन ओवर के बाद 14 रन 3 विकेट, भाई हर एक ओवर पे एक एक विकेट गिरा है। तीसरा बॉल इस ओवर का, बड़ा शॉट खेल दिया यहाँ पर, गैप था एक्स्ट्रा ओवर में, वहां पर से शॉट खेला शकीब ने, पीछे राहुल भाग रहा है तो पकड़ लेगा, गुड फील्डिंग भाई राहुल। पिछली वाली बॉल नो बॉल था तो यहाँ पर फेट लगने वाला है, डॉट दे दियो फ्री हिट पे, घंटा फ्री हिट पे शॉट लगा दिया शकीब, फ्री हिट मिला है तो फायदा तो उठाएगा ना। वो भी अपना तीसरा ओवर भी कंटिन्यू करेगा, क्योंकि दो ओवर पे 8 रन देकर 2 विकेट लिया है, तो तीसरा ओवर तो बनता है। कैच गॉन, मोहम्मद महमूदुल्लाह का भी विकेट मिल चुका है। भाई भूबी क्या गेंदबाजी कर रहा है यार, मैंने इस वाली मैच स्टार्ट होने से पहले सोचा था भूबी पिछली दो मैच में चला नहीं, अगर इस वाली मैच में भी नहीं चलेगा तो सेमीफाइनल पे उसको ड्रॉप कर दूंगा, उसके जगह पे कोई प्लेयर को लेकर आऊंगा, मोहम्मद शमी वगैरह को किसी को लेकर आऊंगा। लेकिन भूबी ने जो बॉल किया ना, बल्ती बंद मेरा। बांग्लादेश 24 पे 4, बांग्लादेश ऑलरेडी प्रेशर पे आ चुका है, लेकिन यहाँ पर शकीब खड़ा है तो रन बन सकता है। बढ़िया शॉट शकीब का, 4 रन, शकीब को आउट करना पड़ेगा। ओह डैम गुड बॉल। फोर्थ बॉल इस ओवर का, लवली शॉट यार, फाइन लेग अंदर था, उसके ऊपर से शॉट खेल दिया 4 रन। वैसे पावर प्ले का आखिरी ओवर चल रहा है तो देखते हैं, अगर और एक विकेट मिल जाए तो मजा आ जाएगा। गुड बॉलिंग। पावर प्ले पे वैसे इंडिया बहुत आगे है, क्योंकि 35 पे 4 विकेट, भाई कभी मैंने सोचा भी नहीं था 4-4 विकेट में ले लूंगा पावर प्ले के अंदर। बांग्लादेश यहाँ से कितना रन बना पाएगा पता नहीं, बांग्लादेश ऑलरेडी प्रेशर पे है। एंड यहाँ पर शानदार बॉल, शकीब तो इस टाइम पे रिक्स लेने वाला है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 4 विकेट गिर चुका है, तो ध्यान से खेलेगा, खराब बॉल पे ही उठा के शॉट मारेगा। मुझे यहाँ पर शकीब का विकेट मांगता है, बट शकीब ने यहाँ पर मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया वन बाउंस 4 रन। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी शकीब का विकेट चाहिए हमको। ओह एज लगा, बट सिंगल मिलेगा यहाँ पर, पीछे फील्डर है। चल बुम बुम, लास्ट बॉल बुम बुम का, ओ डैम एज लगा, एंड यार निकल गया 4 रन लास्ट बॉल पे। पेसर ने तो मस्त बॉलिंग किया है, अभी युजी चहल को बुलाया गया है, अब देखते हैं स्पिनर क्या करता है। पहला बॉल गुगली डालेंगे, वो भी शकीब को, शकीब भाई ओ बेटे, पहली बॉल पिच लगा, गुड फील्डिंग, बट एक रन तो मिल गया। दूसरा बॉल इस ओवर का, गुड शिप शॉट, पीछे फील्डर मौजूद तो है बट पकड़ नहीं पाएगा, गुड शॉट 4 रन। मुझे ना यहाँ पर शकीब का विकेट चाहिए, ठीक है चाल कम ऑन, गॉन आउट है भाई, कैच गॉन, यस स्टेप आउट करने की कोशिश किया था शकीब, एंड भाई चाहल ने क्या बढ़िया लेग स्पिन डाला, फ्लाइट हेड डाला था। अबे ये गेम का क्या ग्लिच है, फिर से स्लो मोशन पे दिखा रहा है,
स्टेप आउट करके बड़ा शॉट खेलने की कोशिश किया, एस लगा एंड विकेटकीपर, कोई भी गलती नहीं किया। साकिब जो बेहतरीन बैटिंग कर रहा था उसको यहाँ पर चहल ने आउट कर दिया, बस बांग्लादेश खत्म। फिर एक साइड से चहल, दूसरा साइड से जाडेजा, बस बढ़िया शॉट लगा दिया यहाँ पर हुसैन ने, एंड बट पकड़ लेगा फील्डर, राहुल भाग रहा है, दो रन मिलेगा, ओके सिर्फ दो ही रन। क्या पता है बांग्लादेश इस वाली एशिया कप पे एक भी मैच नहीं जीत पाया अभी तक, एंड यहाँ पर डॉट बॉल अगेन। चलो ब्रदर और एक विकेट मांगता है हमको, अरे ब्यूटीफुल शॉट, बट पीछे फील्डर है तो एक ही रन मिलेगा। कम ऑन यूसी, यू कैन टेक वन मोर विकेट। स्टेप आउट करके शॉट लगाया, पीछे फील्डर, ओ फील्डर तक कैरी नहीं हुआ, नहीं तो काम तमाम हो जाता। चौथी बॉल एक टॉप स्पिन डालने वाला है यहाँ पर, ओ डैम, बट यार गैप पे निकल गया, कितना बढ़िया गेंद था, टॉप स्पिन बॉल, एज लगा, बट यहाँ पर बेहतरीन फील्डिंग राहुल की तरफ से, टीम के लिए रन बचा। लास्ट बॉल इस ओवर का पक्का विकेट मिलने वाला है, मुझे पता है। कैच हवा में था, बट एक रन। 10 ओवर के बाद सिर्फ 59 रन बना है बांग्लादेश का 5 विकेट के नुकसान पे। वैसे शॉट लगाया हवा पे, फील्डर मौजूद है तो कैच करेगा रोहित भाई, बड़ा पाओ पाओ पाओ, गॉन, 6 विकेट डाउन फ्रॉम बांग्लादेश। भाई 20 ओवर का मैच है, बांग्लादेश का तो पूरा इल लगा दिया। बांग्लादेश क्या 100 रन कम्प्लीट कर पाएगा, पता तो नहीं है भाई, नहीं भी कर सकता है। इंडिया बहुत ही खतरनाक गेंदबाजी कर रहा है, स्पेशली बांग्लादेश को स्टार्टिंग के ओवर पे जो झटका दिया ना भूबी ने, मजा आ गया। उसके बाद ही बांग्लादेश का पूरा कमर टूट गया। जितना ज्यादा हम लोग डॉट देंगे इन लोगों के अंदर, उतना प्रेशर क्रिएट होगा, उतना गंदा शॉट खेलने की कोशिश करेगा, उतना विकेट मिलेगा। 12 ओवर पे 68/6, देखो यार 4 विकेट लेना पड़ेगा जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। मुझे ना, मेरा ड्रीम है भाई बांग्लादेश को 100 रन से पहले आउट करना। दूसरा बॉल इस ओवर का, ओहो ब्यूटी ऑफ जड्डू, मस्त गेंदबाजी कर रहा है जड्डू, वैसे विकेट नहीं मिल रहा है। ओ बोल्ट बोल्ट, यस, कितना सही बॉल था, पिछली दो बॉल से तो बीट होता हुआ, इस बार एच लग के बोल्ड हो गया बेचारा, फूटे की स्मार यहाँ पर बांग्लादेश का। मेहदी आशान आया है, एंड जडेजा भी ऑलरेडी 2 विकेट ले चुका है। गुड शॉट भाई, मेहदी आशान आते ही पहली बॉल पे चौका मार दिया। चलो लास्ट बॉल है, लास्ट बॉल पे विकेट मिल जाए जडेजा, कम ऑन जडेजा, ओके कैच कैच कैच, अबे छक्का मार दिया, ओ भाई लास्ट बॉल पे 6 मार दिया। चौथी बॉल इस ओवर का, स्टेप आउट करके शॉट लगाया, लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑफ का बंदा, लॉन्ग ऑफ का बंदा कैच करेगा। भूबी है, भूबी आज कुछ गलती नहीं करेगा भाई। वैसे ये जो पिच है ना, क्रैसी डस्टी पिच है, इसीलिए फास्ट बॉलर को भी विकेट मिला एंड स्पिनर को भी विकेट मिल रहा है। स्टेप आउट करके शॉट लगाने का फायदा क्या, नीचे जब भूबी खड़ा है वो तो आज कुछ गलती करेगा नहीं। अगेन एक कैच कर लिया, जडेजा को भी 3rd विकेट मिलता हुआ, एंड बांग्लादेश का 9th विकेट डाउन होता हुआ। इसी के साथ आज भूबी कोई गलती नहीं करेगा, एंड ये वाला पिच ना बहुत खतरनाक पिच है, ग्रैसी डस्टी पिच है, तो फास्ट बॉलर को भी मदद मिला स्टार्टिंग के ओवर पे, बीच के ओवर पे स्पिनर को भी मदद मिल रहा है। जसप्रीत बुमराह को बुलाया गया है, लेट्स गो भाई भाई भाई, अबे व्हाट द फक मैन, ऋषभ पंत तो क्या कर रहा है भाई, 4 रन दे दिया भेल्ले ने। 88/9 है, क्या हम यहाँ पर बांग्लादेश को 100 रन करने से पहले ऑल आउट कर पाएंगे, अगर कर देंगे तो मजा आ जाएगा। अबे डैम यार, एज लग के अगर 4 रन चला गया तो मैं क्या कर सकता हूँ भाई, 4 रन चला गया यार, उम्मीद है भूबी के ऊपर, देखते हैं क्या होता है। अरे लवली बॉल बट डॉट, चल यार लास्ट बॉल है भूबी का, विकेट ले ले भूबी, शॉट लगा दिया। तस्किन बोल रहा है भाई भूबी ने बहुत मस्त बॉल किया है, तो लास्ट बॉल पे हम मारेंगे भाई भूबी को चौका। यार मैंने सोचा था बांग्लादेश को 100 रन से पहले ऑल आउट कर दूंगा, बट बांग्लादेश तो 100 रन बना चुका है, अभी हिटिंग भी कर रहा है, कितना रन तक पहुंचेगा मुझे नहीं पता, एंड यहाँ पर सिंगल मिल गया। कमन बुम बुम एक यॉर्कर एंड इसका डंडा बाहर, बट इन्होंने हवा में शॉट लगाया, कैच गॉन, हो भाई कौन था, 45 रोहित शर्मा, बड़ा पाओ पाओ पाओ। बांग्लादेश यहाँ पर 101 रन बनाए, 102 का टारगेट है, बहुत ही मस्त गेंदबाजी किया है इंडिया का हर एक बॉलर। भूबी ने 3 विकेट लिया, दीपक ने 1 विकेट, जसप्रीत बुमराह ने 1 विकेट, चहल 2 विकेट, जडेजा 3 विकेट, भाई सभी ने मस्त गेंदबाजी किया, सभी ने इकोनॉमिकल गेंदबाजी किया, सब मजा आ गया। रोहित शर्मा एंड केएल राहुल आ रहा है यहाँ पर बैटिंग करने के लिए, अब देखने की बात है चेस करना कितना डिफिकल्ट होगा हमारे लिए। तस्किन अहमद स्टार्टिंग करेगा बॉलिंग का, फर्स्ट बॉल तस्किन का, बढ़िया शॉट, सिंगल के लिए भागेंगे एंड सिंगल मिलेगा भी रोहित को। टारगेट बहुत ही छोटा है तो रिक्स ज्यादा लेना नहीं है, एंड अगर ऐसे फ्री का रन मिलेगा तो भाई बिल्कुल भी कतई रिक्स लेना ही नहीं है, धीरे धीरे खेलो, इसलिए मैच जीत जाएंगे हम। यहाँ पर 5 रन मिला भाई फ्री का। मुस्ताफिजुर रहमान आया है, ये अच्छा खासा गेंदबाज तो है, अब देखने की बात है यहाँ पर क्या करेगा। बढ़िया शॉट लगा दिया केएल राहुल, ये जो एंगल मिला ना, एंगल का भरपूर फायदा उठाया राहुल एंड 4 रन, भाई क्या कवर ड्राइव लगाया। मुस्ताफिजुर ने पहली बॉल पे 4 रन देने के बाद बढ़िया कमबैक किया, यहाँ पर भी बढ़िया गेंद, अच्छा फील्ड सेटअप है, अब बॉलिंग भी अगर अच्छा करेगा ना
तो ऐसे विकेट भी गिर सकता है भाई। आर्म बॉल डाल दिया सारे सकीब, बॉल पड़ने के बाद जो अंदर आया मैंने सोचा था बाहर जाएगा, गुड बॉल भाई सकीब अल हसन एंड यहाँ पर विकेट गिरता हुआ। विराट कोहली आ चुका है, पिछले मैच में विराट कोहली एक शानदार इनिंग्स खेला था, आज क्या करेगा। ओके भाई आती पहली बॉल बैट के बीचों बीच में लगा। वैसे पिछली ओवर पे सकीब ने बहुत मस्त बॉलिंग किया, विकेट भी लिया रन भी नहीं दिया। एंड यहाँ पर ब्यूटीफुल शॉट ड्राइव बाय रोहित शर्मा, पीछे फील्डर जरूर भाग रहा है एंड पकड़ भी लेगा, तो दो रन मिलता हुआ दूसरा बॉल नाइस शॉट। ए ओवर थ्रो आई लाइक इट भाई, थैंक यू सो मच, जो ओवर थ्रो किया है ना तुमने तो मैं इसके लिए मिलेगा पूरा 10 में से 10 मार्क्स। अगर कोई टीम जीतना ही नहीं चाहेगा तो उसको जितना देना भी नहीं है, इसीलिए हम मारेंगे छक्का। यहाँ पर विराट कोहली स्ट्राइक पर था, मार दिया भाई तिल दिया छक्का। विराट कोहली बोल रहा है यार तुम लोग जीतने की कोशिश भी नहीं कर रहे हो, ओवर थ्रो का चौका दे रहे हो तो हम चुप क्यों रहेंगे, हम छक्का मार के खत्म करते हैं ना मैच को। चौथी बॉल अंदर आता हुआ बॉल था, बढ़िया ड्राइव यहाँ पर, पीछे फील्डर भाग तो रहा है पकड़ नहीं पाएगा। सकीब ने पहला ओवर पे एक रन देकर एक विकेट लिया था भाई, मस्त गेंदबाजी किया था सकीब पहली ओवर पे। दूसरा ओवर की पहली बॉल भी शानदार था, चार बॉल पे एक भी रन नहीं दिया शाकिब। एंड शाकिब को थोड़ा सा संभाल के खेलना पड़ेगा क्योंकि इसका एक बॉल बाहर जा रहा है, एक बॉल अंदर आ रहा है, एक बॉल पड़ने के बाद स्लो आ रहा है, एक बॉल पड़ने के बाद तेज आ रहा है, बहुत खेलना डिफिकल्ट हो रहा है शाकिब को। इस ओवर पे एक भी रन नहीं बना, तो लास्ट बॉल पे मैं स्वीप शॉट खेलने की कोशिश करूंगा एंड लगा तो दिया है तो कम से कम सिंगल मिलेगा, मिडन ओवर नहीं गया ये बहुत बड़ी बात है। मेहदी हसन आया है, रोहित शर्मा स्ट्राइक पर है, पहला बॉल व्हाट ए कैच, एज लगा था, बढ़िया गेंद में मानता हूँ, बढ़िया गेंद खराब शॉट बट कैच तो भाई गेंद से भी ज्यादा ऊपर है भाई, क्या कैच किया है यहाँ पर टाइप लगा के भाई। मानना पड़ेगा इस वाले पिच पे बैटिंग करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ये मैं मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारा भी तो विकेट गिर रहा है ना, दो विकेट ऑलरेडी हमारा भी गिर चुका है यहाँ पर। पांचवी बॉल है इस ओवर का, ओ डैम भाई इनसाइड एज लग के निकल गया, गजब की बॉल था, चार रन मिल जाएगा क्या, मजा आ जाएगा भाई एज का चार रन। पावर प्ले यहाँ पर खत्म हो चुका है 38/2 एंड सकीब तीसरा ओवर कंटिन्यू कर रहा है, बंदा दो ओवर पे सिर्फ 3 रन एक विकेट दिया था एंड यहाँ पर नहीं दिस इज नॉट आउट क्योंकि लेग स्टंप मिसिंग है। गाइस इस वाली ग्राउंड पे स्पिनर खेलना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, जब इंडिया गेंदबाजी कर रहा था बांग्लादेश बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, अब तो भाई इंडिया भी स्ट्रगल कर रहा है, अभी तक सिर्फ एक रन आया है इस ओवर से एंड लास्ट बॉल, प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो हवा में शॉट खेलना तो बनता है, फील्डर थोड़ा शानदार था इसीलिए सूर्या को भाई 4 रन मिल गया। कमान दूसरा बॉल, ओके ओके 4 रन आई लाइक इट, बहुत देर से रन नहीं बन रहा था उस टाइम पे, ऐसे 4 रन नहीं 5 रन की बहुत ज्यादा जरूरत था हमें। विनर को खेलना बहुत डिफिकल्ट हो रहा है तो फास्ट बॉलर को ही मारना पड़ेगा, बट गलत टाइमिंग के वजह से सूर्या भी आउट होता हुआ, यार गलत शॉट मुस्ताफिजुर को मिल चुका विकेट। अभी मुझे पता चल रहा है बांग्लादेश का इतना जल्दी क्यों विकेट गिर रहा था, क्योंकि इस वाली पिच पे बैटिंग करना इतना इजी नहीं है, क्या बॉल हो रहा है भाई। स्ट्रेट बॉल पे 52 रन चाहिए, थोड़ा सा संभाल के खेलेंगे तो भाई ओ डैम एज लगा, ओके निकल गया 4 रन भाई, एज मच ना मत लगाओ भाई। श्रेयस अय्यर रन स्ट्राइक एंड लास्ट बॉल इस ओवर का, डैम हो श्रेयस बोल रहा है भाई एज लग के अगर चौका जा रहा है तो हम बेच लगाएंगे। लास्ट बॉल इस ओवर का, श्रेयस ने बैट घुमाया, ओके 4 रन। इस वाली पिच पे सकीब एंड मेहदी हसन इतना बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था तो दोनों को हटा क्यों दिया बांग्लादेश वालों ने पता नहीं, बट यहाँ पर 1 रन मिलेगा लेक भाई का। मैं ना इस वाली ओवर को टारगेट करने वाला हूँ, जो होगा दिखा जाएगा, कम ऑन श्रेयस भाई हिट कर दे भाई। भाई अगर तुम मिस कर देता ना फिर भी बोल्ड नहीं होता, बट यहाँ पर क्या ही बताए एज लग के बोल्ड हो गया बेचारा श्रेयस अय्यर, बढ़िया गेंदबाजी वैसे मुस्ताफिजुर का। चौथी बॉल एज डिफेंस करा था, ऋषभ भाई ने डिफेंस किया था बट बढ़िया गेंद इसीलिए एज का भी 4 रन। यार मानो ना मानो यहाँ पर विराट कोहली भी स्ट्रगल कर रहा है, 26 बॉल पे बंदा 17 रन पे बैटिंग कर रहा है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल तो हो रहा है यहाँ पर विराट कोहली की तरफ से भी, लेकिन विराट कोहली आउट नहीं हुआ। जिस हिसाब से मैच चल रहा है ना एक ओवर पे तो हिटिंग करना पड़ेगा। फोर्थ बॉल एज का 4 रन भाई, आई लव इट। चलो यार 22 रन चाहिए 50 बॉल पे, हो तो जाएगा बट फिर भी हम ऐसे बड़ा बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करेंगे, अलग बात है शॉट बैट के बीचों बीच नहीं लगेगा, एज का ही 4 रन मिलेगा। 2 बॉल पे 2 चौका तो आया है बट एज का आया है क्या फर्क पड़ता है, चौका तो आया है बट इस बार तो भाई बैट के बीचों बीच लगा है ऋषभ पंत का तो छक्का। कमन ऋषभ पंत, अबे यार गलत शॉट खेल दिया,
सीधा यॉर्कर डाल दिया मैंने, क्यों कवर के ऊपर से मारने की कोशिश किया था, सॉरी कवर नहीं पॉइंट, मैंने पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश किया था, ये प्लम्ब है। तीसरा बॉल ऑफ द शो फॉर, बढ़िया शॉट लगाया यहाँ पर जडेजा भाई, जडेजा अच्छा फॉर्म पे है, चार रन वन बाउंस चार रन, बॉलिंग पे भी भाई तीन तीन विकेट लिया था। विनिंग शॉट तो यार विराट कोहली को लगाने दो, व्हाइट तो मत डालो कम से कम। ओके लगा दिया भाई विनिंग शॉट यहाँ पर कवर के ऊपर से, वन बाउंस चार रन, इंडिया ओन बाई फाइव विकेट्स। प्लेयर ऑफ द मैच हुआ रविंद्र जडेजा, क्योंकि जडेजा ने तीन विकेट लिया भाई। भूबी को प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए था मेरे हिसाब से, स्टार्टिंग के ओवर पे अगर विकेट नहीं लेता तो भाई इतना जल्दी जल्दी बांग्लादेश ऑल आउट नहीं हो पाता। आपके हिसाब से किसको प्लेयर ऑफ द मैच देना चाहिए कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। एंड एवर इंडिया पांच विकेट से मैच जीत गया, बहुत इंटरेस्टिंग मैच था। एंड इंडिया को 102 रन चेस करने के लिए 14 ओवर लग चुका है भाई, एंड पांच विकेट भी इंडिया ने गवा चुका है। तो मैच तो भाई इतना मैं बोलूंगा, बांग्लादेश ने खराब परफॉर्मेंस तो किया नहीं, पिच ही डिफिकल्ट था, इस वाली पिच ग्राउंड सब डिफिकल्ट था, बट अगर थोड़ा सा बांग्लादेश और भी 20-30 रन ज्यादा बना लेता तो मैच और भी इंटरेस्टिंग हो सकता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ग्रुप ए पे टॉप पे है इंडिया, नंबर दो पे है यूएई, तो इंडिया एंड यूएई क्वालिफाई करने वाला है सेमीफाइनल के लिए। एंड ग्रुप बी पे टॉप पे है श्रीलंका एंड नंबर दो पे है पाकिस्तान, तो श्रीलंका एंड पाकिस्तान क्वालिफाई करने वाला है सेमीफाइनल के लिए। तो इंडिया के साथ पाकिस्तान का मैच होने वाला है एंड श्रीलंका के साथ यूएई का मैच होने वाला है सेमीफाइनल पे। भाई सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मजा आने वाला है बहुत ही ज्यादा। अब यहाँ पर देख सकते हो टॉप स्कोरर पे है विराट कोहली, उसके बाद ए खान, उसके बाद गुरबाज, उसके बाद मुस्तफा एंड जाजाई। वैसे विराट कोहली एंड ए खान का दोनों का स्कोर 133 है। एंड यहाँ पर टॉप विकेट टेकर में जया विक्रमा ने 7 विकेट लिया, जाडू ने 6 विकेट लिया, मुजीब चाल एंड जेड खान ने 5-5 विकेट लिया। एंड यहाँ पर प्लेयर ऑफ द रेटिंग पे मुस्तफा ऑन द टॉप, क्योंकि उन्होंने जो टोटल रेटिंग कमाया वह 356। उसके बाद जया विक्रमा, जड्डू, जाजाई एंड के दाऊद। एंड सबसे ज्यादा सिक्स मारने का रिकॉर्ड है शोएब मालिक के नाम पे, 7 सिक्स शोएब मालिक के नाम पे। उसके बाद फखर जमान 6 सिक्स, उस्मान मोहम्मद उस्मान ने 5 सिक्स, सूर्या कुमार यादव ने 4 सिक्स एंड एसारंका ने 4 सिक्स। तो यहाँ पर आप स्टैट्स भी देख सकते हो, आफ्टर ग्रुप मैच अभी नॉकआउट मैच होने वाला है तो स्टैट्स चेंज होगा। तो गाइस इस वाले वीडियो इतना ही है, अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज यार हिट द लाइक बटन, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला बटन जरूर दबाओ, कमेंट सेक्शन पे बताओ आपको कौन सा वाला विकेट सबसे ज्यादा अच्छा लगा एंड किसका परफॉर्मेंस आपको ज्यादा अच्छा लगा, प्लेयर ऑफ द मैच आपके हिसाब से कौन था, भूबी या जड्डू, वो भी कमेंट करो। एंड गाइस दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्रिकेट बाय।